सरगुजा जिले के ब्लॉक मुख्यालय भैयाथान क्षेत्र के ग्राम पासल में स्थित छत्तीसगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पदमपुर रोड बस्ती सरायपाली जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति को पकड़कर भारी मात्रा में उड़ीसा राज्य निर्मित अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करते सोल्ड मेट्रो वाहन को जब्त किया है। कुर्सीपार पुलिस ने केएलसी एकता नगर जोन दो कुर्सीपार निवासी मनीष सिंह नामक बदमाश के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया है। सूरजपुर जिले की उदयपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे एक आरोपी को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ की। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की बाइक को जब्त किया है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के पत्रापाली गांव में आबकारी विभाग की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीण टीम का विरोध करने लगे, कहने लगे ये आए दिन हमें परेशान करते हैं, इसलिए अब इन्हें हम कार्रवाई नहीं करने देंगे। ग्रामीणों ने करीब डेढ़ घंटे तक हंगामा किया। कोरबा में आरटीआई कार्यकर्ता के खरमोरा स्थित मकान के बाहर खड़ी थार जीप को रात में आग के हवाले करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक कोयले के कारोबार से जुड़ा व्यक्ति शामिल है। कोरबा जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग सगी बहनों ने मिलकर अपनी बुआ की हत्या कर दी। दोनों ने युवतियों को इसलिए मार दिया क्योंकि वह इन्हें मोबाइल चलाने से मना करती थी। वो हमेशा इस बात के लिए दोनों को डांटा करती थी। दोनों बहनों ने बुआ को टंगिया मारकर मार डाला। जांजगीर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार बदमाशों ने अधेड़ को बीच रास्ते में रोककर उसे गालियां देकर पैसे छीनकर भागने लगे तो आसपास के लोगों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अर्जुन सिंह गोड़ ग्राम बिछिया थाना कुमारी जिला दमोह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने 26 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह गांजा उसने टाटा सुमो वाहन में चेंबर बनाकर छिपा रखा था। स्मृति नगर पुलिस चौकी ने 10 किलोग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक न हो इसके लिए आरोपी बाइक में कबाड़ खरीदने का काम करता था और बाइक के दोनों ओर कबाड़ रखने के लिए लटकाए गए थैले में गांजा को छिपाकर रखा था। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के खुज्जी में निर्माणाधीन पुलिया से टकराने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मानपुर के मिंजगांव निवासी हरीश पिता आत्माराम नुरेटी के नाम से की गई है। बालोद पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अधिक पैसे मिलने का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद सड़गी को बालोद पुलिस ने शुक्रवार को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले में पखांजूर क्षेत्र के संगम की साप्ताहिक बाजार में अवैध रूप से खुड़कुड़िया में रुपए पैसों का दाम लगाकर लोगों को जुआ खिला रहे चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 10,000 रुपए जब्त कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कांकेर जिले के देव कुंगेरा में ईंट भट्टा के पास जंगल में छिपकर ताश के पत्तों पर रुपए पैसों का दाम लगाकर जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को कांकेर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 1,14,000 रुपए बरामद किया है और जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
कांकेर जिले के नरहरपुर क्षेत्र में पुलिस ने सट्टा अंक लिखकर और खुड़खुड़िया पर रुपए पैसों का दांव लगाकर जुआ खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 31,000 रुपए नकदी रकम जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कांकेर जिले के लखनपुर ग्राम पंचायत के धान खरीदी केंद्र PV22 में रात के अंधेरे में कोचियों के धान खपाते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। PV22 खरीदी केंद्र में पिछले रात 8 बजे के करीबन गौतम आचार्य के ट्रैक्टर में 70 बोरा धान लेकर फड़ की ओर जा रहा था। जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने उच्च अधिकारियों से संबंध होने का धौंस जमाकर सहायक शिक्षक की नौकरी लगाने और तबादला करवाने का सब जवाब दिखाकर बेरोजगारों से 3,90,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले में लालपुर थाना के ग्राम बांधा में एक घर के कोठा का ताला तोड़कर 40 बकरी चोरी कर ले जाने वाले 3 आरोपियों को बकरियों के साथ पकड़ा गया है। आरोपी वाहन में बकरियों को लेकर जा रहे थे। बलौदाबाजार जिले के अमेरा रोड पर गिंदोला डोटोपार मोड़ पर एक ट्रेलर सड़क के बीचों बीच फंस गया। ड्यूटी से अपने घर जा रहे पुलिस जवान उससे टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बिलासपुर जिले की सिरगिट्टी पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई के दौरान 21 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2,00,000 रुपए से अधिक कीमती गांजा के अलावा लाखों रुपए का सामान और नकद भी बरामद किया है। बिलासपुर में बीती रात एक सिरफिरे युवक ने खुद को आग के हवाले कर आग की लपटों के साथ सिविल लाइन थाने में पुलिस कर्मियों के बीच जा घुसा। इस वाकये से हड़बड़ाए पुलिस स्टाफ ने युवक के जिस्म में लगी आग की लपटों को जैसे तैसे बुझाकर उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सिम्स के बर्न यूनिट में भर्ती कराया है।